नरेंद्र मोदी सरकार की 2.2 जो पारी है हमारे लिए बड़े गर्व की पारी है और पूरे देश के लिए गर्व की पारी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री श्री अमित भाई जी के नेतृत्व में संसद का पहला सत्र इतना प्रोडक्टिव रहा और देश में ऐतिहासिक निर्णय उनके नेतृत्व में हुए, चाहे धारा 370 और 35 को उठाने का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद निरोधी कानून हो, अनेकों ऐसे कानून इस सत्र में मोदी सरकार ने पास किए। साथ में ही 100 दिन जब अन्य सरकारें बड़े आराम और हनीमून पीरियड पर थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक देश के लिए सेवा भाव और समर्पण और 370 उठाकर विशेष रूप से ये संदेश पूरे देश और दुनिया के दिया कि भारत पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो हक था, उनको जो विकास की चाहत थी, जो वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकवादी और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर जो स्थानीय जनता का हक मारे थे, उनका हक देने का काम किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से 100 दिन का मोदी सरकार का कार्यकाल पूरा है, उनकी पूरी टीम के होने का सदस्य होने के नाते मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से आम जन के हित में, भारत माता के हित में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और आशा करता हूँ कि भारत का प्रत्येक नागरिक उनके लिए एक परिवार की तरह है और भारत माता का सम्मान उनको बढ़ा रहे हैं आज और 100 दिन हमारे लिए बड़े गौरवशाली हैं। हमारी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का भी सपना था कि यहाँ धौलपुर सरमित्रा करौली रेल लाइन ब्रॉड गेज भी बने और नैरो गेज भी रहे। उन्होंने उसके प्रयत्न किए लेकिन कुछ स्वार्थी और राजनीतिक तत्वों के कारण ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि कुछ लोगों ने उनके इस अच्छे सपने को एक गलत दिशा में मोड़ दिया, जिस कारण पिछले कार्यकाल में काम नहीं हो पाया था। लेकिन उनकी भी इच्छा है और मेरा संकल्प है कि इस लाइन को मेरे इस कार्यकाल में पूर्ण कराऊं। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से पिछले एक साल में कांग्रेस सरकार आने के बाद में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, अपराधियों में भय खत्म हो गया है और राजस्थान के लिए इससे बड़ा शर्मसार और धब्बा लगाने वाला कोई काम नहीं हो सकता कि बहरोड के एक थाने में अपराधी घुसते हैं और AK-47 लॉकअप में बंद अपराधी को ताला तोड़ के ले जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बैठे और कायरों की तरह छुप के बैठ जाती है। ये दर्शाता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था का क्या राज है। इसी प्रकार भी पूरे राजस्थान में आप देख लीजिए, अपराधी बेखौफ है और एक आम आदमी अपराधियों से तो डरता ही डरता, पुलिस से भी डरने लगे। पुलिस का काम ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का और अपना वसूली करने का काम रह गया। मैं कांग्रेस की राजस्थान सरकार से आग्रह करूँगा इसको गंभीरतापूर्वक लें और इस पर तुरंत कोई ना कोई उचित कदम उठाएं, अन्यथा राजस्थान की जनता को मजबूरन कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता जनता के हितों के लिए सड़कों पर आकर भी लड़ेगा। सड़कों की आप बात देखिए, पिछले एक साल में जो सड़कें बन रही थी उनका बनना बंद हो गया, जो ठेकेदारों के काम थे वो रोक दिए गए, पेमेंट्स नहीं हो रहे, नए काम तो असंभव सा प्रतीत हो रहा है। पानी की स्थिति हो गई कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री ने जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा काम भेजा था, वो काम राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है कि उसमें अपने हिस्से की हिस्सेदारी को सुनिश्चित नहीं कर रही है, इसलिए दिल्ली में वो काम अटका पड़ा है। इसी प्रकार से बिजली की स्थिति आप देख लीजिए, बिजली कब आती है कब जाती है कोई नियम नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन पर बिलों का बोझ उससे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब जनता बिल दे रही है तो बिजली क्यों नहीं मिल रही होगी?